माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है मैं अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एज जोमसो। तो बेसिकली इन लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया एंड दे हैव सेंड मी फ्यू लहंगाज एंड साड़ीज एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज इन कोलेबोरेशन विद जोमसो। तो ये एक वेबसाइट है जो कि साड़ीज एंड लहंगा सेल करते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद देम, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम उनके साथ एक्सपीरियंस था। एंड ये वीडियो जो है ये 2 months पहले आना चाहिए था। ये प्रोडक्ट्स मेरे पास 2-3 months से हैं बट ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीज़न होल्ड कर दिया था, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो पहले हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्रोडक्ट्स मुझे जैसा इमेजेस में दिख रहा था उस इमेज को मैं यहाँ पर लगा दूंगी और वो प्रोडक्ट मेरे पास कैसा आया है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैंने जो ये प्रोडक्ट्स मैंने डेफिनेटली परचेस नहीं करे हैं। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बता दिया था कि इतना आपको प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मैंने सिलेक्ट करे थे, वो प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं आए हैं अभी तक। और तो जो आए हैं मैं आपको उनका रिव्यू देना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने सिलेक्ट की थी वो एक साड़ी सिलेक्ट करी थी जो कि इस तरह से दिखती है, बहुत ही प्रिटी दिख रही थी पिक्चर में। और जो साड़ी मुझे मिली है वो मिली है ये। आप अगर इमेज में ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें फ्रिल्स वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बट मेरी जो साड़ी है उसमें ये पता नहीं क्यों ऐसे फ्रिल्स आया हुआ है। आई एम अ पर्सन हु पर्सनली डोंट लाइक फ्रिल्स, मतलब मुझे फ्रिल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है साड़ीज में। और मेरी इस साड़ी में फ्रिल आया है, मतलब जो इमेज में दिखाया गया था वो तो बिल्कुल ही नहीं है ये। और क्वालिटी वाइज भी इट लुक्स रियली चीप। सो तो ये जो साड़ी है इसका एक्चुअली में प्राइस है 1590, इसमें दिखाया गया है 3090 की ये साड़ी है, 49% डिस्काउंट है एंड 1590। ट्रस्ट मी 1590 की इससे लाख गुना ज़्यादा बेटर साड़ी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, बट दिस साड़ी क्वालिटी एवरीथिंग सेम सो चीप, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है ये। तो ये फर्स्ट साड़ी। अब नेक्स्ट जो साड़ी है ये ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी है, इसका एक्चुअल प्राइस है 3890 जो कि है 1990 रुपीज़ की। तो ये है साड़ी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दिस जो है वो कुछ इस तरह का वर्क है इसके ऊपर, मतलब दिस साड़ी इज ओके बट ये जो वर्क है ये डेफिनेटली जिस तरह का इमेज में दिख रहा था उस तरह का बिल्कुल भी रियल लाइफ में नहीं दिख रहा है। एंड अगर आपको इस तरह की साड़ी पसंद आती है तो आप देख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट माई टेस्ट। एंड मैंने इसको मंगवा तो लिया था बट ये इमेज में थोड़ा अलग लग रहा था एंड रियल लाइफ में थोड़ा अलग लग रहा है, बट दिस साड़ी इज ओके, मतलब ये फिर भी एक बार कैरी करी जा सकती है, इट्स नॉट दैट बैड। साड़ी है ये ब्लू नेट कलर की साड़ी है। तो इसका जो ब्लाउज है वो इस तरह से है, ब्लाउज मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। जो साड़ी है वो इस तरह के कलर की है, काफ़ी पतली सी नेट की साड़ी है, इसका नेट तब भी बेटर है कंपैरेटिवली। और ये इसमें ओके, तो पहनने पे ये साड़ी कुछ इस तरह से लगने वाली है, ठीक है, मतलब इट्स गुड। ये साड़ी जो लड़कियां कॉलेज गोइंग हैं या अपने फेयरवेल वगैरह में कैरी करना चाहती हैं या न्यूली मैरिड हैं और उनको कुछ हल्की फुल्की सी साड़ी चाहिए, तो दिस साड़ी इज़ प्रिटी गुड। ये मुझे काफ़ी ठीक लग रही है, ठीक नहीं मतलब काफ़ी बेटर लग रही है। तो ये एक साड़ी है। नेक्स्ट जो साड़ी है ये वाली जो मैंने वेबसाइट पे देखा तब ये इतनी प्रिटी, इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, बट इन रियलिटी इट लुक्स उसी का एकदम ऑपोजिट। हो सकता है किसी और का टेस्ट हो इस टाइप का, बट मेरा ये टेस्ट नहीं और मुझे ये पसंद भी नहीं आ रही थी। तो ये ब्लैक कलर की है, मतलब आपको वीडियो में तब भी काफ़ी बेटर लगेगी, बट इन रियलिटी इट लुक्स लाइक, मतलब सीरियसली। तो इस तरह का वर्क है इसमें और ये इसका पल्लू है और पूरी ऑल ओवर साड़ी जो है वो ऐसे प्रिंट्स में है। अगेन नेट की साड़ी है विच आई रियली डोंट लाइक इट। नेक्स्ट उसके बाद मैंने एक लहंगा मंगवाया है जो कि काफ़ी सारे लोगों ने इसका रिव्यू किया था, सो दैट्स वाई आई थॉट टू यू नो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये लहंगा मंगवाया है। और तो ये है वो लहंगा, तो इस तरह का वर्क इसमें किया हुआ है एंड इसका जो दुपट्टा है वो ये प्लेन दुपट्टा है।
तो कंपेरेटिव टू द साड़ीज दिस लहंगा हैज़ रियली ग्रेट क्वालिटी. कंपेरेटिव अगर मैं इनसे कंपेरिजन करूँ, हॉलीवुड से काफ़ी ठीक है, गर्ली है, काफ़ी प्रिटी सा है, कर दूंगी. जैसा ये दिख रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही आया है. उसके बाद एक मैंने रेड कलर का लहंगा और मंगवाया था, ये भी अगेन दिखने में बहुत प्रिटी था, बट ये मेरे पास रियलिटी वर्सेज एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी हो गया. तो ये मरून कलर का लहंगा आया है जो कि बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मुझे देखते से मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था कि ये क्या आ गया है मेरे पास. तो ये है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये. और उसके बाद इसका जो लहंगे का है ये कलर मरून है, और ये जो कलर है ये कुछ अलग सा रेड है. आप देख सकते हो, आपको कैमरे पे नहीं पता चल रहा है, बट दिस इज डार्क मरून एंड दिस इज लाइट रेड कलर, जो कि कलर्स भी दोनों के अलग अलग हैं. सो दिस लहंगा इज अ कम्प्लीट नो नो. सिर्फ ये वाला एक ऐसा लहंगा है जो मुझे इन सब में एक्चुअली में पसंद आया है, और जो मेरे टाइप का मुझे लगा है, जिसको मैं एक्चुअली मैं कैरी कर सकती हूँ, बिकॉज थोड़ा प्रिटी है ये. अगर इसको मैं ड्राई क्लीन वगैरह करवा लूँ प्रॉपरली, इसमें से जो क्रीजेज हैं वो निकल जाएँ, तो दिस इज़ प्रिटी. बट बाकी का तो मुझे कुछ भी मेरे टाइप का नहीं लग रहा है. क्वालिटी वाइज भी मैं बोलूँगी कि मुझे पसंद नहीं आया है. 1500-1800 की जो साड़ियाँ हैं वो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस वन, बिकॉज यू नो मैं अगर आपको बोल भी दूँ ना, और आप अगर परचेस करोगे तो लिटरली जब आपके हाथ में आएंगी ना, तो आप मुझे इतनी बद्दुआएं और गालियां दोगे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको. सो दैट्स व्हाई मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. कोलैबोरेशन है आई नो, बट कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तोते की तरह पड़ 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 सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती जाऊँ. सो दिस इज द रियलिटी. नेगेटिविटी इसकी ये है कि इसमें जो साड़ीज आई हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब डिजास्टर आई हैं. अगर ये मेरे पैसों से होता तो मेरा तो दिमाग ही आउट हो जाता. दिवाली है आई नो, बहुत सारे लोग शॉपिंग करना चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस वन. लहंगे के लिए सिर्फ इस लहंगे को लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी किसी को तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी. एंड यू नो ये जो वीडियो है ये टेक्निकली मुझे 2-3 महीने पहले बनाना चाहिए था, बिकॉज ये तब से मेरे पास आया हुआ है, बट मैं नहीं बना रही थी. रीजन बीइंग क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये वीडियो बनाती तो मैं बहुत ब्लंट होकर के चीज़ें बोल देती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फेक रिव्यूज नहीं देती फॉर श्योर, ये मैंने ब्रांड को भी बता दिया था. तो सिर्फ ये चीज़ है जो पसंद आई है, और इसको मैं पहनूंगी भी, बनवा के देखती हूँ. बनवाने का तो मैं सोच रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज़ माई वीडियो, सबकी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फिर एनी केस यू वॉन्ट टू चेक एज वेल. एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.